तलाक के बाद ईशा देओल ने फैंस को सुनाई गुड न्यूज। शादी टूटने के बाद हेमा की बेटी जल्द ही देने वाली है खुशखबरी। पति को छोड़ने का गम पूरी तरह भुला चुकी है एक्ट्रेस। जी हाँ, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लाडली बेटी ईशा देओल पिछले कुछ समय से अपनी तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। तो इसी बीच ईशा देओल की जिंदगी में आ गई है खुशियों की लहर और वो अपने फैंस को सुनाने वाली है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। भाई इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि भरत तख्तानी संग 12 साल पुरानी शादी टूटने के बाद एक्ट्रेस मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। एक्स पति को डिवोर्स देने के बाद से ही एक्ट्रेस बेटी और परिवार के साथ समय बिता रही हैं और खुद की फिटनेस पर ध्यान भी दे रही हैं। तो वहीं अब ईशा देओल ने अपने फैंस को एक और खुशखबरी सुना दी है। आखिर तलाक के कुछ महीनों बाद ही ईशा देओल ऑन स्क्रीन कमबैक जो करने वाली है। जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद ईशा देओल ने कर दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भुलाकर काम में मन लगा रही हैं और काफी खुश भी हैं। दरअसल हाल ही में ईशा देओल ने मुंबई में एक पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया और इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैं इन दिनों अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हूँ, उसके लिए बहुत जल्द अनाउंसमेंट की जाएंगी। मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि मैं काम करके बहुत खुश हूँ। अब हेमा मालिनी की बेटी की इन बातों से ये तो साफ है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं और 12 साल की शादी टूटने के गम को भुलाकर काम में मन लगा रही हैं। आपको बता दें कि ईशा देओल और भरत तख्तानी ने साल 2012 में शादी की थी। कपल की दो बेटियां भी हैं जिनकी परवरिश एक्ट्रेस अकेले ही कर रही हैं। इस साल के शुरुआत में ही दोनों के तलाक की खबर सामने आई थी जिसने सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद से ही ईशा देओल परिवार और बेटियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भरत तख्तानी ने किसी खूबसूरत हसीना के लिए ईशा को धोखा दिया था और यही इनके तलाक की वजह बनी, जिसके बाद से ही ईशा जिंदगी में मूव ऑन करने की हर तरह से कोशिश कर रही हैं। इससे पहले एक्ट्रेस को जिम में पसीना बहाते हुए भी देखा गया था जहां वो खुद को फिट करने में लगी हुई थी। तो वहीं ईशा देओल नेचर के साथ भी समय बिताते हुए नजर आई थी। एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अपने डेली लाइफ अपडेट्स फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। गौरतलब है कि ईशा देओल ने साल 2002 में रोमांटिक फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, A24.